सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, राष्ट्रीय संयोजक संविधान बचाओ आंदोलन। आज देश भारत बहुत ही विकराल परिस्थिति से गुजर रहा है। बाबा साहब ने संविधान बनाने के बाद आभास किया था और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसे अमल में लाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो अंततः संविधान भी खराब साबित होगा। आज देश भारत संविधान से चल रहा है, देश में लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष भारत है, फिर भी लोकतंत्र के तहत सत्ता में आकर के लोग नशे में चूर हो जाते हैं और बेगुनाहों के साथ अन्याय कर रहे हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है, पूरा देश कराह रहा है। आए दिन आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे कि एक ऊंची जाति का आदमी छोटी जाति से अपने पैर चटवा रहा है, एक ऊंची जाति का व्यक्ति एक छोटी जाति के व्यक्ति को गोली से मार देता है इसलिए कि छोटी जाति का व्यक्ति मूंछें क्यों रखता है। सत्ताधीश इस नशे में चूर हो गए हैं इस संविधान के भारत में कि वो कमजोर लोगों के घरों पर बिल्डोजर भी चला रहे हैं। धर्म के नाम पर पहले उत्पात करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। एक इतना बड़ा मंदिर आपका खुद है, क्या जरूरत है आपको दूसरे के मंदिरों में जाकर के झांकने की। ऐसे उत्पात करने के बाद यहां के लोग उत्पात पर उत्पात किए जा रहे हैं। आज देश भारत का पढ़ा लिखा व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, उसकी जिम्मेदारी बन गई है कि इस विषय पर चिंतन करे। अगर वो चिंतन नहीं करेगा तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। मैं आज बताना चाहता हूं कि प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री संविधान बनाता है, बीडीसी से लेकर के चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हों, एमपी एमएलए ही क्यों ना हो, उनको संविधान बनाता है, सरकारी सेवाएं संविधान देता है, हमें बोलने की आजादी संविधान देता है, हमें अपनी संस्कृति, विचारधारा, धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार करने का अधिकार भी हमें संविधान देता है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि एक तिथि आने वाली है 2025 में, जिस तिथि को हम कहते हैं 27 सितंबर। 27 सितंबर को आरएसएस को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ये लोग प्लान बना रहे हैं, उन्माद फैला रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि 100 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस के इस देश भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। मैं देश भारत के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि अगर संविधान नहीं बचेगा तो आपके मदरसे कहां जाएंगे, आपकी मस्जिदें कहां जाएंगी। मैं ईसाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर संविधान नहीं बचेगा तो आपके चर्च और गिरजाघर कहां जाएंगे, आपके कॉन्वेंट स्कूल कहां जाएंगे। मैं सिखों से पूछना चाहता हूं, अगर संविधान नहीं बचा तो आपके पूजा घर कहां जाएंगे, गुरुद्वारे कहां जाएंगे, कैसा आपके साथ भेदभाव होगा, आप खुद समझ सकते हैं। यह देश भारत धर्मनिरपेक्ष है, सबको अपने अपने हिसाब से रहने का, जीने का अधिकार है, अपने मनपसंद खाने का अधिकार है, अपनी संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने का, फैलाने का हमें संविधान अधिकार दे रहा है। लेकिन एक फौज तैयार की जा रही है नफरत करने वाले लोगों की, जो आए दिन ऐसे षड्यंत्र करके इस देश भारत के संविधान को, देश भारत की गरिमा को, संस्कृति को आघात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं विज्ञानवादी, तर्कवादी, पढ़े लिखे लोगों से, जो सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, जो विकास पर विश्वास करते हैं, जो स्कूल कॉलेजों पर विश्वास करते हैं, जो हॉस्पिटल्स पर विश्वास करते हैं, जो आईटी सेक्टर पर विश्वास करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन की दुनिया पर विश्वास करते हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि भारत को बर्बाद होने से बचा लो। आप अगर चाहेंगे तो ये नफरत करने वाले हार जाएंगे और प्यार, मोहब्बत, करुणा, दया, सील, भाईचारा करने वाले लोग जीत जाएंगे। आज माहौल बहुत खराब है, लोग दुखी हैं, तराही तराही मची हुई है चारों तरफ, धार्मिक उन्माद के माध्यम से लोगों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है, इवन बुलडोजर
जेसीबी मशीन चलाकर के घर तोड़ा जा रहा है। घर तोड़ने की प्रक्रिया होती है, पहले एफआईआर होती है, कोर्ट में तय होता है कि वाकई अवैध है कि है नहीं, इसके बाद जाकर के प्रक्रिया होती है, तुरंत रिजल्ट। अगर वाकई बुलडोजर चलाने का शौक है कुछ नशीले लोगों को, तो मैं चाहता हूं कि वो उन लोगों पर भी बुलडोजर चलाए जो देश से पैसा लेकर के भाग गए, ये उन लोगों पर भी बुलडोजर चलाए जिन्होंने भारत के साथ तमाम बैंकों का पैसा लूट करके भाग गए, उनके घरों पर भी चलाइए। अगर आप वाकई न्याय करना चाहते हैं, संविधान के तहत आपकी मनसा है, तो सबके साथ बराबर का न्याय करिए, नहीं तो ये गलत बात है। ये देश की अस्मिता, देश का सम्मान और संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। देश भारत ने ऐसे बहुत सारे मौके देखे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को झेला है, लेकिन भारत एक ऐसा भारत है जिसे बुद्ध ने, कबीर ने, नानक ने, रविदास ने, चोखा मेला ने, दादू दरिया ने और विवेकानंद जैसे लोगों ने खड़ा किया है। यहां एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा करके भारत को आगे बढ़ाया है। ये उनका देश है, ये देश खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी तरफ ताके का भी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं, जो हक बंचे तसा है कमजोर, इवन पढ़े लिखे लोग। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो अपने आप को सवर्ण जाति का मानते हैं, क्या ये सही हो रहा है? अगर सही हो रहा है तो अपने उन लोगों के भी साथ करो जिनके साथ आपने कभी नहीं किया। ये दुर्व्यवहार मत करिए। ये देश में कभी स्कूल की बात करिए, कभी कॉलेज की बात करिए, कभी विज्ञान की बात करिए, कभी तर्क की बात करिए। इसका कंपटीशन कभी अमेरिका से कर लीजिए, पाकिस्तान से कंपटीशन कराते रहते हो। ये पत्रकार लोग पूरे दिन कुत्तों की तरह टीवी पर भौंकते रहते हैं, पूरे दिन पाकिस्तान पाकिस्तान से। अरे कभी रशिया से कंपटीशन करिए, कभी अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से कंपटीशन करिए कि देश कितना आगे निकल रहे हैं, तब तो अच्छा लगता है। अरे जो खुद उजड़ा हुआ देश है, जिसके पास कुछ नहीं बचा हुआ है, जितने हमारे यहां जेलों में लोग रहते हैं उतनी उसकी जनसंख्या है, उससे हमें डराते रहते हैं आप। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश को बचाइए। अगर देश बचता है तो सब लोगों के सहयोग से बचता है, और अगर देश बर्बाद होता है, देश धर्म जाति मजहब के नाम पर धर्म निरपेक्ष भारत से मुक्त होता है, संविधान से मुक्त होता है, तो उसमें सबको इसका दंश झेलना पड़ेगा। आज उनका नंबर लगा है, कल आपका भी नंबर लगेगा, धीरे धीरे सबका नंबर लगेगा। इसलिए ऐसे लोगों को पनपने मत दीजिए जो नफरत करते हों, जो बांटते हों, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर बांटते हों, रंग भेद के नाम पर बांटते हों, ऐसे लोगों को भारत में जगह मत दीजिए। अगर आपने कदम नहीं उठाया, जुल्म सहना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए मैं कहता हूं बोलिए, आपकी आवाज आनी चाहिए। कभी किसी के साथ अन्याय हो तो आपको दर्द होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि मनुष्य हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं समझूंगा कि मनुष्यों का भारत नहीं, अब ये जानवरों का भारत बन गया है, जिसके मन में दर्द भी नहीं है और सही बात कहने की क्षमता भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन बातों पर अमल करें और इन बातों को जन जन तक पहुंचाएं और सब लोग मिलकर के संविधान की सुरक्षा करने का काम करें। संविधान अगर नहीं है तो जान लीजिएगा कि बहुत बड़ी आबादी यहां गुलाम हो जाएगी, कुछ नहीं बनेगा बचेगा। आईएएस, पीसीएस, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, जितने भी लोग हैं यहां, वो सब इसलिए जिंदा हैं, इसलिए मान सम्मान से जी रहे हैं, क्योंकि संविधान है, और अगर संविधान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूं पूरे भारत के लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से, कि देश भारत के संविधान को बचाने के लिए सब लोग एक साथ खड़े हो जाइए। संविधान जीतेगा और संविधान आगे बढ़ेगा, और यही संविधान देश भारत को सोने की चिड़िया बना सकता है, फिर पुनः विश्व गुरु बना सकता है, और कोई व्यवस्था विचारधारा की औकात नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।